नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन लाइन सेगमेंट और रे। लाइन लाइन सेगमेंट सेगमेंट और रे, इन तीनों टॉपिक्स के बेसिक्स के बारे में कवर करेंगे और प्रयास करूंगा कि इसको हिंदी में भी समझाऊं और लोगों का डाउट क्लियर करूं। रेखा लाइन को कहते हैं रेखा हिंदी में, और रेखा खंड लाइन सेगमेंट, रेखा खंड ठीक है, लाइन सेगमेंट एंड रे दैट इज किरण। ठीक है, तो द फर्स्ट टॉपिक विल बी लाइन, विल स्टडी लाइन। तो लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइन क्या है? लाइन एक सिंपल, इसको हम डिनोट करने के लिए, इसको समझाने के लिए आज से एक सिंपल एक लाइन खींचते हैं, इस तरह से रेखा खींचते हैं। ठीक है, रेखा, और इसको दोनों तरफ से जब एरो का निशान हो, मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने दोनों तरफ, इस साइड भी और इस साइड भी, अनंत तक बढ़ने की संभावना बनी। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, मतलब कहने का मतलब दैट मीन्स इट हैज नो एंड पॉइंट्स। जैसे क्या पता चला कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ठीक है, मतलब इसकी कोई 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 अंत बिंदु नहीं है, कोई अंत बिंदु नहीं है। ठीक है, दूसरा कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। लाइन को डिनोट हम लोग करते हैं, या रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर निरूपित करते हैं, हिंदी में कहते हैं कि सपोज डिनोट करने के लिए हम लोग दो बिंदु उठा लेते हैं यहाँ पे, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, तो इसको डिनोट करने के लिए जब हम लिखते हैं लाइन को, तो ए बी ऊपर में ऐसे लाइन का निशान होता है, दोनों तरफ खुला है। ठीक है, तो ये हो गया लाइन का रिप्रेजेंटेशन यानी कि निरूपण। अब एक और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो दिस पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली विद कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर से ही डिनोट होगा, ये कैपिटल लेटर से ही लिखना होता है। ए बी सी डी, हम ऐसे ए बी सी ये सब नहीं, स्मॉल केस से नहीं करते डिनोट। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर से ही लिख सकते हैं हम लोग, लिखना होता है एक लाइन ए बी वगैरह कैपिटल लेटर से, तो ए बी सी डी डी ये सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं, लाइन सेगमेंट। हमने लाइन के बारे में जान लिया, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखा खंड, रेखा खंड। अब रेखा खंड क्या है? इसमें सिंपल हिंदी के नाम से ही लग रहा है, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का सेगमेंट है, और रेखा खंड मतलब रेखा का, खंड मतलब भाग, खंड को हिंदी में कहते हैं भाग, मतलब उसका पार्ट जिसको कह सकते हैं हम। ठीक है, तो पार्ट ऑफ अ लाइन, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, दिस इज लाइन एंड हियर वी कैन रिप्रेजेंट इट विद ए बी। ठीक है, ए बी, हियर जो ए से बी तक का भाग है वो लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है ये लाइन सेगमेंट है, इसको ए बी लिखेंगे। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, इट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड अंत बिंदु हैं ए और बी, मतलब यहाँ पर आकर ए से लेके बी तक आकर ये रेखाखंड समाप्त हो जाता है। ठीक है, टू एंड पॉइंट्स, इसके दो अंत बिंदु हैं। ठीक है, और इसका जो निरूपण होगा यानी कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए बी डैश। ठीक है, इसका एक और है कि इसको मेजरमेंट जो किया जाता है, इसको स्केल से मेजरमेंट, इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड मतलब इसको मेजर किया जा सकता है, मेजर्ड मतलब मापा जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्केल, हेल्प ऑफ स्केल यानी कि रूलर से कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको मापा जा सकता है, तो ये बिंदु याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें पढ़ना है रे। हमने लाइन पढ़ा, लाइन सेगमेंट पढ़ा, इसका एक और पार्ट है वो हम पढ़ लेते हैं, दैट इज रे। रे यानी कि किरण। अब किरण को समझने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे सिंपल एक लाइन खींचते हैं और इस एक तरफ एरो का निशान बना दिया जाता है और दूसरी तरफ कोई एंड बिंदु है या स्टार्ट बिंदु कहते हैं। तो मान लिया ए यहाँ एक बिंदु है और बी यहाँ बिंदु है, निरूपण के लिए बी लिख देते हैं, जो पहले बता चुके ये कैपिटल में ही लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में। तो ए बी इज अ रे, ए बी इजर रे, और इसको निरूपित कैसे करेंगे? ए बी इजर रे, एक तरफ एरो का निशान, ए बी इजर रे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इज अ रे यानी किरण है।
ए भी एक किरण है, ठीक है। दूसरा, इसका एक वन इट हैज वन स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, वन स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, या एंड पॉइंट कह सकते हो, एंड पॉइंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। बट जो जो दूसरा साइड है, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इनफाइनाइट, मतलब ये अनंत तक बढ़ता चला जा सकता है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने पढ़ लिया लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल पे आए, देखें। धन्यवाद।